हेलो एवरीवन, मैं सर आशीष शर्मा एंड आई फ्रॉम सी एस सी डिपार्टमेंट। देखिए, अब मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ आपको साइन अप फॉर्म पे लेकर चल रहा हूँ, राइट। अभी हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था, अब मैं साइन अप बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया वही है, इनपुट टाइप ले लिया अपना, राइट। अब नीचे हमने एक इनपुट का अलग बनाया जिसके अंदर हमने ये तो उसकी सेटिंग ले ली, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर और उसका आउटलाइन, हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पर हमने बनाई है उसका हमने सेटिंग ये कर दी। जो बटन्स बनाऊंगा मैं, ओके का, कैंसिल का, रीसेट का, जो बनाऊंगा आपके लिए सरप्राइज है, उसकी सेटिंग्स ये हमने अप्लाई कर दी। माउस का पॉइंटर जब जाएगा, कैंसिल का बटन उसकी हमने ये बना दी, साइन अप बटन और कैंसिल का बटन, पोजिशन कंटेनर्स की सेटिंग ये दे दी। अब जो हमारे पास उसके बाद इफ़ेक्ट्स हैं क्लियर के डिलीट करने के बाद, तो इफ़ेक्ट क्या है, दिस वन। अब हमने देखे यहाँ पर एक एक्शन फॉर्म ले लिया, राइट। हमने कहा मैसेज दे दिया, प्लीज़ फिल द फॉर्म, ईमेल आईडी जो टेक्स्ट के अंदर है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या ऑप्शन लिया है आपके लिए, ईमेल। पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड को इंडिकेट किया पासवर्ड के साथ, रिपीट पासवर्ड के लिए हमने रिपीट पासवर्ड दे दी हेडिंग, चेकबॉक्स रिमेंबर नॉट, या आपके यस और नो ये आप बताएंगे। हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट एन अकाउंट टू एग्री, अगर आप क्लिक करेंगे हाइपरलिंक जो भी कुछ है वो कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा वो बाकी बात है, देखते हैं। मुझे जो बटन बनाएंगे, मैंने कैंसर का बनाया, मुझे साइन अप नहीं करना या फिर साइन अप करना है, उसके बटन हमने यहाँ पर बना दिए। जब आपने यहाँ पे चेक किया तो हम अपनी फाइल के अंदर आए, देखिए इसका हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया। हमने यहाँ पर अपनी कोई भी ईमेल एड्रेस दी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ xyz@, मेरे पास gmail.com है, पासवर्ड मैंने यहाँ पर ये दे दिया, रिपीट हमने दिस वन दे दिया, रिमेंबर करना है क्लिक करोगे, टर्म एंड मैंने कुछ नहीं दिया अभी, साइन अप करना है या कैंसिल करना है तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अप करना है तो साइन अप हो जाएगा। साइन अप होते ही आपके पास अगेन एक दूसरी पेज ओपन हो जाएगी, लेकिन वो तब होगी जब मैं यहाँ पर राइट्स दूंगा। मैंने सिंपल और सॉबर अभी आपके लिए एक फॉर्म को डिज़ाइन किया है, मीन्स आप एक फॉर्म को ब्यूटीफुली वे में किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर आपने HTML की है, मुझे नहीं मालूम की है नहीं की है, दैट्स नेट, उसका अपने पैटर्न को अजीब सा ले लिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक परफेक्टली प्रोफेशनली तरीके से एक आपके लिए यहाँ पर बनाया, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि कैंसिल का बटन अलग से हो रहा है, साइन अप का अलग हो रहा है, जहाँ पर हाइपर लिंक है दिस वन है, चेकबॉक्स प्रॉपर ऑर्डर में आ रहा है, कहीं लेफ्ट राइट नहीं है। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशंस देख लीजिए, अलाइनमेंट देख लीजिए कहाँ पर क्या है, परफेक्टली ऑर्डर के अंदर, ऑर्गेनाइज ऑर्डर में। जब तक ऑर्गेनाइज ऑर्डर में काम नहीं होगा तब तक आपका कोई भी फॉर्म छोटे छोटा बड़े से बड़ा जिसे कह सकते हैं गुड नहीं होगा। अगर आप बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर बटन्स का बैकग्राउंड कलर दिस वन है, मार्जिन बॉर्डर ये देखिए सारी की सारी सेटिंग मैंने यहाँ पर दी हुई है। इनकेस अगर आप इनपुट और आउटपुट बॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पर आपने यूज़र नेम अपना, ईमेल आईडी और पासवर्ड रिपीट पासवर्ड डाला है, उसका करना चाहते हैं तो पोजीशन ये रही। लेकिन बात फिर मैं वही करता हूँ, जब भी हम काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज वे के अंदर होना चाहिए, विदाउट ऑर्गेनाइज वे जब भी आप काम करेंगे वो गलत है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कीप ट्राइंग ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।